और पूरी तरह उस पर तशद्दुद हुआ था। फिर हमने इसको थोड़ा सा इंटरोगेट किया तो मान गया कि मैंने इसको तशद्दुद किया है और उसको इलाज भी करवाया, उसने अंदर ही इसको अपने घर में रखा तो उसकी तबीयत पर ज़्यादा ख़राब हो गया। आज कोशिश की गई करने को लेकिन उसकी डेथ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, रावलपिंडी का एक इलाका है डोकखब्बा, वहां पे एक बाप ने अपने 9 साल बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाकर अबदी नींद सुला दिया है। ये वही बाप है कि इंसान जो है वो बेटों की बेटियों की मुरादें मांगता है कि अल्लाह पाक हमें औलाद नरीना अता करें, लेकिन कुछ दरिंदा सिफ्त इंसान ऐसे होते हैं कि वो एक 9 साल का बेटा, उसका कसूर क्या था वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दरिंदा सिफ्त बाप है ये पेशे के अतबार से काम क्या करता है। लेकिन वाकया कुछ इस तरह से है कि ये थाना वारिस खान का इलाका है डोकखब्बा, यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम बशीर खान है। अल्लाह ने इसको औलाद नरीना अता की और इसकी 7 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। लेकिन ये आप औलाद का दुख उस शख्स से जानें जिसको रब ने औलाद नहीं दी, या जिसके पास बेटे हैं तो बेटियां नहीं हैं, या जिसके पास बेटियां हैं तो उनके पास बेटे नहीं हैं, ये दुख आपको वो शख्स अच्छे तरीके से बता सकता है। लेकिन जो बशीर खान है इसने अपने बेटे 9 साल जिसका नाम दरवेश है इसको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो सर से लेके पाँव तक इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। अब ये तशद्दुद के निशान, क्या बशीर खान ने इसके ऊपर तशद्दुद किया या तशद्दुद करने वाला कोई और है? क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बच्चा मदरसे का तालिबे इल्म था, 2 दिन कबल मदरसे से ये नाराज़ होकर, यानी कि मदरसे की इंतज़ामिया ने या तो इसको मारा है, इस पर तशद्दुद किया है, तो नाराज़ होकर ये घर आ गया। जब ये घर आया तो यहाँ पर ये वापस मदरसे नहीं जा रहा था, और उसके बाद इसके बाप ने यानी कि बशीर खान ने अपने बेटे को बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया या दरिंदा शख्स, बल्कि इसको कमरे में बंद कर दिया। 2 दिनों बाद जब इस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो बागम बाग में ये इसको बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब अस्पताल लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने इनको लाजवाब करार दे दिया और कहा कि बच्चे की तो डेथ हो गई है। अच्छा, इस डेथ के ऊपर वारिस खान पुलिस क्या कहती है, वारिस खान पुलिस के DSP के साथ जो गुफ्तगू हुई वो क्या कहती है, वो आप सुने। ये ना बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, इस लिहाज से कि एक बाप जो है उसके उसका बेटा कत्ल हो गया। ये इस तरह है कि ये बेनज़ीर हॉस्पिटल में हमें तकरीबन 2.5 बजे के करीब बता है कि बच्चा है उसकी डेड बॉडी है, तो वहाँ पे हमारा होता है क्योंकि मुलाजम होते हैं अकाउंटेंट होता है, फिर ऐसे साहब उठना चले गए। तो उसके बाद हमने इसलिए हमें बताया कि ये सीधे उसे गिर गया और इसकी मौत हो गई है। लेकिन जब हमने उसकी बॉडी को देखा तो बहुत बुरी तरह उस पर तशद्दुद हुआ था। फिर हमने इसको थोड़ा सा इंटरोगेट किया तो मान गया कि मैंने इसको तशद्दुद किया है और उसको इलाज भी करवाया, उसने अंदर ही उसको अपने घर में रखा तो उसकी तबीयत पर ज़्यादा ख़राब हो गया। आज कोशिश की गई करने को लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो उसके गरीब फैमिली है, खरादी है कौम का, ये बोला वो खरादी भी आपको पता कितनी 9 बच्चे हैं इसके, तो इसको उसने मदरसे में दाखिल किया था। जैसे हमारे इस तरह होता है कि जब बच्चे ज़्यादा है तो ये मदरसे नहीं जाता था पढ़ने, तो फिर इसने इसको रखा। तो इसके जो भी इनिशियली बता रहा है हमें, जो उसके घर से भी पता चली कि इसकी छोटी बहनें हैं, तो ये उस पर इसने पेशाब वगैरह कर दिया छोटी बहनें जब लेटी हुई, उस वजह से ना बस वो एकदम हाइपर हो गया बंदा, और उसने इसको बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह इस पर तशद्दुद किया। जैसे जो वालदा है ना वो बड़ी जज्बाती है, उसका बेटा भी फौत हुआ एक तरह, उसका खाना देख कर रखा, लेकिन वो अभी तक यही कह रही है भाई कि मैं खुद बदई हूँ, मेरे बेटे को उसने मार दिया, मैं इसको रोक दूँ। लेकिन अगर वो किसी वजह से अभी तक वो नहीं आई, अगर नहीं करेगी तो ज़ाहिर है हम खुद उसको पर्चा तो देंगे, जो बच्चे का मजलूम का कत्ल है उसको हम ज़ाहिर नहीं आने देंगे, हम जो भी कानून के मुताबिक होगा हमारे पास उसका लीगल, तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये आपने DSP की गुफ्तगू सुनी। अब DSP साहब ये कह रहे हैं कि जो बाप को इसलिए दौरा पड़ गया था कि इस दरवेश जो 9 साल बच्चा है इसने
बहनों के ऊपर पेशाब कर दिया। अब बच्चे तो कम सिन होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो अगर दिन में 10 दफ़ा लड़ाई करते हैं तो 10 दफ़ा वो राज़ी भी हो जाते हैं। ये तो हम दरिंदे हैं कि हम जब भी लड़ाई होती है तो अपने दिलों में कुदरत अपने दिलों में नफ़रत पैदा कर देते हैं और हम पैचअप नहीं करते, रजीनामा नहीं करते। लेकिन आप देख लें कि नौसला दरवेश को उसके बाप, नौसला दरवेश को उसका बाप इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाता है कि उसकी डेथ होती है। वारिस खान पुलिस इस मुलज़िम को गिरफ़्तार करती है, बच्चे का मेडिकल करवाया जाता है और मेडिकल में इब्तदाई इतलात ये बताई गई है कि इस बच्चे के ऊपर बेजा तशद्दुद हुआ है। अब यहाँ पे उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसका 9 साल नन्ना फूल छिन गया है, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसका मुजाजी खुदा पबंदे सलासल है। क्योंकि आपको मालूम है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदे का हुक्म होता तो वो अहलिया अपने खावन को सजदा करती। तो आप देख लें कि क्या गुजर रही होगी उस ख़ानदान पे। इंसान जज्बात में आके, गुस्से में आके कदम तो उठा लेता है लेकिन बाज़ दफ़ा कदम इस कदर मुश्किल हालात में उठाए जाते हैं कि वो कदम वापस नहीं आते। जिस तरह एक बाप जो आप पाबंदे सलासल है अपने बेटे के जनाजे में भी वो शरीक नहीं हो सका, और एक तरफ वो माँ है कि जिसका 9 साल बेटा छिन गया है और एक तरफ वही माँ है जिसका खावन पबंदे सलासल है। और इस खातून जीनत नामी इस खातून का नाम है जिसने वारिस खान पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। अब होना तो यही है क्योंकि मजाजी खुदा है इस औरत का, वो पबंदे सलासल है, पैचअप तो होना है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो 9 साल इन माँ बाप ने उस बच्चे की परवरिश की, एक थोड़ा सा गुस्सा, थोड़े से लम्हे का गुस्सा सारी ज़िंदगी का पछतावा बन गया है। इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है और ये कहा गया है कि जब भी इंसान को गुस्सा आए तो ताउज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। लेकिन अब देखिए इस केस में क्या बनता है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये पैचअप की तरफ मामला जाएगा, लेकिन आज वारिस खान पुलिस ने मुलज़िम को अदालत पेश करके जुडिशल रिमांड पर मेरे ख्याल से जेल भी भेज दिया है, या अगर जेल नहीं भेजा तो वो जिस डंडे से तशद्दुद किया गया है वो डंडा भी बरामद करना है। बच्चे के जिस्म के ऊपर इस कदर निशानात हैं डंडों के कि हम वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जो अपने हकीकी बेटे को एक छोटी सी गलती के ऊपर इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। अब देखते हैं कि केस का रुख किस तरफ जाता है, क्या पुलिस इस मुलज़िम को कैफरे किरदार तक पहुँचाती है या मदैया अपने खावन को खून माफ़ कर देगी। क्योंकि कानून तो एक तरफ ये भी कहता है कि जो हकीकी रिश्ता हो, यानी कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज नहीं करवा सकते। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन लगता तो इसी तरह ये पैचअप की तरफ मामला जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।